गुरदासपुर में रिश्वत लेने के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर मनजीत सिंह बब्बर आरोपी हैं। 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का डॉक्टर पर आरोप है, बेहद बड़ी खबर। विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है डॉक्टर को और तफ्तीश शुरू कर दी है। तो गुरदासपुर से बेहद बड़ी खबर, रिश्वत लेने के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। सिविल अस्पताल में कार्यरत था डॉक्टर, डॉक्टर का नाम है मनजीत सिंह बब्बर। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है पूरे मामले की। गुरदासपुर से बेहद बड़ी खबर, सिविल अस्पताल के डॉक्टर मनजीत सिंह बब्बर पर आरोप लगा है और आरोप है 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का। बेहद बड़ी खबर गुरदासपुर से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरप्रीत हमसे जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए पूजा, आज सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर में एक विजिलेंस की तरफ से रेड किया गया था, जिसकी जो शिकायत थी वो विजिलेंस को दी गई थी। एक बताया जा रहा है कि जो टीम है वो अमृतसर से आई थी, एक स्पेशल टीम भेजी गई थी। अमरीक सिंह था जिसने एक शिकायत दर्ज करवाई थी डॉक्टर मनजीत सिंह के खिलाफ जो सिविल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर मनजीत सिंह पहले भी काफी बार चर्चा में रहे हैं काफी मामलों में जी। और आज ये बताया जा रहा है कि 20,000 रुपया रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी पूजा जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी गुरप्रीत, अभी कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, ये टीम जो है अमृतसर से आई थी, एसपी विजिलेंस के उनकी देखरेख में भेजी गई थी टीम जी। और उनके आदेशों पर भी ही भेजी गई थी। और मामला ये था कि 326 का इस जो शिकायत करता है उस पर मामला दर्ज था, जिसकी रिंग इन्वेस्टिगेशन इस डॉक्टर के पास थी जी। और अभी विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने उनकी तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया। उनका कहना है कि इसमें पूरी जांच की जाएगी कि कैसे ये डॉक्टर ने एक जो री इन्वेस्टिगेशन करनी थी उसमें क्या क्यों उसने जो रिश्वत मांगी और 30,000 रुपया रिश्वत मांगी थी जो बताया जा रहा है, और 20,000 में जो सौदा तय हुआ, ये सारे मामले पर जो है विजिलेंस की तरफ से जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी जी। गुरप्रीत, क्या इस तरह का पहले भी कोई मामला सामने आया है या फिर ये सिविल अस्पताल में पहला मामला है? जी देखिए, सिविल हॉस्पिटल में मामला पहले भी बहुत समय पहले सामने आया था जी। ये अक्सर ही जो आरोप लगते रहते हैं, चाहे हम किसी भी सिविल हॉस्पिटल की बात करें, तो पहले भी ऐसे मामले कई हुए हैं कि जिसमें आरोप लगते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से रिश्वत ली जाती है। जो छुटपुट जो आपसी वारदात होती है कुछ गुटों दो गुटों के बीच में, तो उसमें जो मामले दर्ज करने होते हैं डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ही जो मामले दर्ज होते हैं, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं आरोप लगने के। और ये विजिलेंस की टीम की तरफ से पहले भी काफी समय पहले भी ये रेड किया गया था हॉस्पिटल में, गुरदासपुर में भी, तो तभी भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी खबर गुरदासपुर से, जहां पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सिविल अस्पताल में कार्यरत हैं और डॉक्टर का नाम मनजीत सिंह बब्बर बताया जा रहा है। तो बेहद बड़ी खबर है, 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई,